हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एट एयर होम। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4। और हर बार की तरह इस बार भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चलेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 3.3 में हमने एक मेथड पढ़ा था दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसे हम कहते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इस एक्सरसाइज में हम जो नेक्स्ट मेथड है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और इस मेथड के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो एक्सरसाइज है 3.4, ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो चलते हैं सीखते हैं क्या है एलिमिनेशन मेथड। तो अब बात आती है एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना। आपने देखा होगा जब रियलिटी शोज होते हैं उसमें कंटेस्टेंट जो होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, दिस मींस उन्हें निकाल दिया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जब दो वेरिएबल्स होंगे तो हम उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, मींस हम एक वेरिएबल को निकाल देंगे। फिर जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो एक वेरिएबल में बन जाएगी, जहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ और वहां से हमें ज्यादा समझ में आएगा कि एलिमिनेशन मेथड यूज कैसे करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने है एक्सरसाइज 3.4 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं रीड आउट करता हूं आपके लिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला है हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी पहले बता रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं यहां सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। आप घर में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देख लेना, आंसर दोनों तरीके से सेम आना चाहिए। जो एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकलेगा वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर निकल के आएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें फोर पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके हरेक पार्ट्स को। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ सबसे पहले। तो अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, जिसमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है और इसको इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को हमें सेम करना होता है जैसे कि दूसरी इक्वेशन में हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं अगर x की, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट है 2 और यहाँ पे x का कोफिशियंट है 1, तो मुझे x का कोफिशियंट जो है यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो वो सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 2 की जरूरत है, इस x के संग मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं एक टर्म से मैं कर नहीं सकता, पूरी इक्वेशन से मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा और इसको मैं सेकंड। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को लूंगा और यहां लिख लेता हूं उसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जैसा कि मैंने बताया था यहां पे मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय टू ऑन बोथ साइड्स। देखो ये मुझे लैंग्वेज हर बार लिखनी है, इसके भी मार्क्स होते हैं तो इसको याद रखना, बार बार ये स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी आपको इसमें। तो मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x और 2y आ जाएगा और यहां 2 5 जा 10 आ जाएगा। होप इतना आपको क्लियर होगा। अब मेरी जो सेकंड इक्वेशन है मैं इसको इसके नीचे लिख लूंगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी मैंने इसकी नीचे ये इक्वेशन इसलिए लिख ली है क्योंकि एलिमिनेट करेंगे हम इसमें x के फैक्टर को, मींस मैं यहां से एक वेरिएबल एलिमिनेट करूंगा जो कि होगा मेरा x। देखो कैसे करूंगा, इस इक्वेशन में से अगर मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x की जो टर्म्स हैं वो सारी यहां से एलिमिनेट हो सकती हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अभी देखो मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2x माइनस 2x ये तो हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का साइन लग जाएगा। तो मैं अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया तो ये 0x बचेगा और देखो ये माइनस का 3x है तो ये बन गया प्लस का 3x। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो साइन माइनस कर देते हैं और ये प्लस का 4 है, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। तो प्लस का ही 2y और प्लस का 3y तो कितना हो जाएगा 5y।
इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना होगा 6। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ये मेरी y की वैल्यू आ गई 6/5। y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब मैं इस y की वैल्यू पुट करूंगा किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं सीधे इसमें पुट करूंगा तो मुझे ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये सिंपल है और ये सीधे आके माइनस हो सकता है। तो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। देखो x की जगह पे तो x ही रहेगा, प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5। तो y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 6/5। यहां लिख देना पुट इन फर्स्ट। तो y की जगह पे मैंने 6/5 लिख दिया इज इक्वल टू 5। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 6/5, क्योंकि ये प्लस का 6/5 है, वहां के माइनस का 6/5 हो जाएगा। तो ये जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, और 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो 5 5 = 25, माइनस 5 1 = 5। तो यहाँ 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम में 5 है, यहाँ भी 5 है नीचे। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 25 में से 6 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरे पास 19, और नीचे 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई है। तो यहां से मेरे x की वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने, और यहां मैंने y की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट, और एलिमिनेशन मेथड का भी कुछ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिख लिया है, जिसमें दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है मेरी 3x + 4y = 10, और सेकंड इक्वेशन है मेरी 2x - 2y = 2। अभी देखो, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने x को एलिमिनेट किया था, इस बार मैं करूंगा y को एलिमिनेट। देखो कैसे करेंगे, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में जो है इसका कोफिशियंट है 4, और सेकंड इक्वेशन में है y का कोफिशियंट 2। तो अगर मुझे 2 को 4 बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने के इन दोनों का कोफिशियंट जो है सेम आ जाए। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे लिख देना आप मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, या 2 गलत लिख दिया मैंने 2। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से इन इक्वेशन सेकंड, इस वाली इक्वेशन में। तो देखो 2 2 = 4x, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी 4x - 2 2 = 4y = 2 2 = 4। ये मेरी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब जब ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, और मेरे पास एक और इक्वेशन थी वो ये रही फर्स्ट, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इसके नीचे लिख देता हूं 3x + 4y = 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अभी देखो, मेरे को इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, तो ये पहले से माइनस का है और ये है प्लस का। अगर मैं इन दोनों को एड कर दूंगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। याद रखना, मैंने पिछले वाले जो पार्ट में मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि दोनों का साइन सेम था। इस बार दोनों का साइन पहले से ही अपोजिट है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, एडिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अभी जब मैं इनको ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 4x + 4x कितना हो जाएगा, सॉरी 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x, और 4y - 4y + 4y ये हो जाएगा 0, और यहां पे क्या बचेगा इज इक्वल टू 10 + 4 = 14। तो मेरा जो अभी तक आंसर आया 7x = 14। तो x की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 7 2 = 14 होता है। तो यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, और इस मैं x की वैल्यू को किसमें पुट करूंगा, पुट इन किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, मैं कर रहा हूं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो देखो करते हैं 3 × 2 क्योंकि 3x था, +4y = 10, 3 2 = 6 + 4y = 10, और 4y = कितना जाएगा 10 - 6, क्योंकि प्लस का 6 है, वहां जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 4y = 4 बचेगा, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहां से हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ये हमने किया है किससे, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमने यहां पे एलिमिनेट किया था। इस बार किसको किया था, y को हमने इस बार एलिमिनेट किया था। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अभी मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिख लिया है, जिसमें मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 9y = 2y + 7। अभी आप देख रहे होंगे यहां पे एक चीज कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड में 0 है, और यहां पे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक ही तरीके से पहले कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं चेंज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन की तरीके से। देखो कैसे करूंगा,
यहां पे मुझे जीरो बनाना है, तो यहां पे जो भी टर्म्स लिखे हैं उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो क्या करूंगा, देखो 9x, ये प्लस का 2y है, वहां क्या हो जाएगा माइनस का 2y, और ये प्लस का 7 वहां के माइनस का 7 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं। तो अब मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। मैंने इसी सेकंड इक्वेशन को इसमें थोड़ा चेंज कर लिया है। अभी देखो तुम देख रहे होंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो अब दोनों में राइट हैंड साइड में जीरो है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या करना होगा हमको, यहां हम देखेंगे कि y का जो कोफिशियंट है वो है 5, और यहां पे y का कोफिशियंट है वो 2 है। ना तो 5 की टेबल में 2 आता है और ना 2 की टेबल में 5 आता है, तो हम इनको कैंसिल आउट करेंगे नहीं, अभी इनको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। बट हम अगर x का कोफिशियंट देखें, यहां 9 है और यहां पे x का कोफिशियंट है 3, तो 3 की टेबल में 9 आता है। दिस मीन्स हम इस बार किसको एलिमिनेट करेंगे, एक्स के टर्म्स को हम इस बार एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। वो देखो कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है मेरे को 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 9 हो जाए, मुझे पता है 3 × 3 करेंगे तो 9 होता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके बराबर बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो जब मैं इसका 3 का मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। बाहर की साइड मैंने 3 लिख दिया क्योंकि मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना है, 3 3 9, तो 9x, 3 5 15 माइनस का 15y, 3 4 12 माइनस का 12, और 3 0 0 होता ही है। तो ये मेरी बन जाएगी अब फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैंने थोड़ा सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और मेरी जो सेकंड इक्वेशन थी वो मैं इसके नीचे लिख लूंगा, क्या है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अभी देखो यहां पे x x के जो कोफिशियंट है वो तो सेम हो गए, बट इनके जो साइन है वो भी सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो जब सेम साइन होता है तो हमेशा हमें क्या करना होता है, जब सेम साइन होता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसके साइन में चेंज करूंगा, तो ये प्लस का 9x यहां हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये जीरो तो प्लस माइनस एक ही चीज रहती है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करके लिखूंगा आगे, देखो 9x में से 9x गया तो ये तो बचेगा जीरो, ये तो हो गया एलिमिनेट, जो कि हमें करना भी था। ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 15y है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 13y, और ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 12 है, तो माइनस 12 प्लस 7 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से जब 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा था, इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, माइनस का 13y इज इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन माइनस का 13, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 अपॉन 13। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी जो ये y की वैल्यू आ गई, मैं यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13, ये तो मेरी आ गई y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू निकल आई है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं करूंगा किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू ये पुट करूंगा, तो यहां लिख देता हूं मैं पुट इन, किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं, तो मैं फर्स्ट में ही पुट कर देता हूं। तो देखो क्या आएगा, 3x माइनस 5y, वाई की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, माइनस का 5 अपॉन 13, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा, तो 3x देखो 5 5 25, प्लस का 25 हो जाएगा अपॉन 13 माइनस 4, क्योंकि ये 5 5 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 25 आएगा, इज इक्वल टू 0। अभी देखो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, वहां पे जाके देखो इधर ही रखते हैं अभी फिलहाल, 25 13 4 जा 52, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 52 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 25 में से 52 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगा, लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि 52 बड़ा है, तो 25 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा मेरा आंसर आएगा 27 अपॉन 13, 3x माइनस 27 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13, क्योंकि माइनस का 27 अपॉन 13 है, वहां जाके प्लस का 27 अपॉन 13 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी, 27 अपॉन 13 इंटू 3, क्योंकि ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 3, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो नीचे की साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 27 अपॉन 13, 3 जा 13 से होता है 39। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, तो इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, 39 या 27 होता है और 3 बन जाए 3, 3 या 9, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 9 अपॉन 13। तो यहां पे मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और पहले मैंने इससे पहले मैंने y की वैल्यू भी वहां फाइंड कर ली थी। ये आई होप ये आपको पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लिख लिया है, जिसमें मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, और मेरी सेकंड इक्वेशन है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो अभी देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी हुई है, मीन्स p अपॉन q की फॉर्म में है दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं इन दोनों का लूंगा एलसीएम 2 और 3 का, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो मैं इसको चेंज करके इधर लिख लेता हूं नीचे, तो 6 आएगा इसका एलसीएम। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो यहां किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का, तो यहां आ जाएगा 3x प्लस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 6 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। तुम चाहो तो इसको माइनस के 6 को बना के प्लस का 6 बना के या 0 भी लिख सकते हो, बट मैं इधर ही इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अभी बात आती है सेकंड इक्वेशन बनाने की। देखो सेकंड इक्वेशन में यहां पे मैं मान लूंगा 1, तो इसका और इसका एलसीएम तो 3 ही आएगा फिर, और जब 3 मेरा एलसीएम आ गया तो 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यह जाएगा 3x, यहां 3 बन जाए 3 होगा, तो माइनस का वाई ही यहां पे रहेगा इज इक्वल टू 3। अब मैं आगे देखता हूं, तो अभी मैं अगर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करूंगा तो देखो 3 वहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 या 9, क्योंकि ये 3 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। आई होप कि ये पार्ट यहां तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने की तरफ। अभी जो मैंने इससे पहले इक्वेशन बनाई थी वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और सेकंड इक्वेशन बन गई थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहां पे लिख ली हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही हमारा जो x का जो कोफिशियंट है वो सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की अलग से जरूरत नहीं है यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको देखो, साइन जब सेम होता है तो मैंने क्या, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करूंगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x में से 3x माइनस करूंगा तो ये आएगा 0 और ये बन गया प्लस का वाई, तो 4y प्लस वाई ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 9 और माइनस का ही 6, आंसर कितना आएगा माइनस का 15। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 15 अपॉन 5, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम करेंगे पुट इन फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो देखो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी वो अभी मैं देख लेता हूं यहां पे करके सॉल्व। तो अभी मैंने यहां पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और मैं पुट करूंगा y इज इक्वल टू माइनस का 3 फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि मैंने पहले इससे पहले वैल्यू निकाल ली थी, y की वैल्यू माइनस 3 आ रही थी हमारे पास। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, क्योंकि मैंने y की वैल्यू यहां पे माइनस 3 लिख दी है ये। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 6 प्लस 12, क्योंकि माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा बना के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड को तो मेरा आंसर आएगा प्लस का 6, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 3 यानी कि 2। तो मेरे पास यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आया होगा ये वाला भी पार्ट। यहां पर मैंने x की वैल्यू 2 फाइंड कर लिया और y की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर ली थी 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 4 पार्ट्स ही थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।